नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आध्यात्म की यात्रा करने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आप लोगों ने पूछे हैं उसके लिए बनाया है। जैसे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या आध्यात्मिक यात्रा बिना गुरु के हो सकती है, और अगर गुरु हों तो कैसे हों। देखिए, इसका आंसर जो मेरी समझ में है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात, आध्यात्मिक यात्रा बिना गुरु के बहुत कठिन है। संसार की छोटी मोटी पढ़ाई के लिए भी हमें कोई ना कोई टीचर चाहिए होता है, कोई समझाने वाला चाहिए होता है। तो ये अध्यात्म की जो सूक्ष्म यात्रा है, जो बारीक यात्रा है, जिसमें पग पग पर नए नए एक्सपीरियंस हैं, नई नई बातें हैं, तो वो यात्रा बिना गुरु के कैसे संभव है? बहुत बहुत मुश्किल है। अब गुरु हो तो कैसे हो, क्या किया जाए गुरु को पाने के लिए? अब गुरु की महिमा जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, गुरु गीता करके एक ग्रंथ है, भगवान शिव माँ पार्वती के प्रति कथन करते हुए गुरु की महिमा बताते हैं। उसमें वो फरमाते हैं, गुरु क्या होते हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वाधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। ये गुरु के लक्षण बताए हैं। भगवान शिव भी आदि गुरु हैं। वो खुद जब कोई चीज बताएं तो हम सोच सकते हैं कि वो कितनी सटीक और कितनी क्लियर व्याख्या होगी। वो फरमा रहे हैं कि ब्रह्म रूपी आनंद के देने वाले, परम सुख के दाता, केवलम कैवल्य को जो उपलब्ध हैं, जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, परफेक्शन को उपलब्ध हैं, परफेक्शन परफेक्शन है, वो अपने आप में कंप्लीट हैं, पूर्ण हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, जो ज्ञान की साकार मूर्त है उनकी, वो किताबों का ज्ञान नहीं देंगे, वो खुद मूर्तिमान ज्ञान है, ज्ञान की फिजिकल पर्सनिफाइड नॉलेज है वो। तो केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, सब तरह के द्वंद्वों से वो पार हैं, यानी कोई भी ड्युअलिटी उनके ऊपर असर नहीं करती। कोई सुख या दुख, कोई लाभ या हानि, कोई पाप या पुण्य, उन पर कोई असर नहीं करता। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वो जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है, वैसे ही सदगुरु भी हर जगह व्याप्त होते हैं। गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्वमसी जैसे जितने भी महावाक्य हैं जो इशारा करते हैं उसकी तरफ, तत्वमसी, अगर आप इस महावाक्य को जानते हैं तो अच्छा, नहीं तो समझ लीजिएगा। तत्वमसी एक महावाक्य हमारे ग्रंथों में उच्चारित है, जिसमें इशारा किया जाता है कि वो तुम हो। वो माने कौन? जिस परम चेतना की बात की जा रही है, परमात्मा की बात की जा रही है, आनंद और परम शांति की बात की जा रही है। जब सवाल किया जाता है कि वो शांति कहाँ है, वो परमात्मा कौन है, तो इशारा किया जाता है कि वो तुम हो। तत्वमसि श्वेत केतु, वो तुम हो। तो तत्वमसि जैसे जितने भी महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य हैं, इनका जो लक्ष्य है, ये जिस ओर इशारा करते हैं वो सदगुरु हैं। तत्वमस्य आदि लक्ष्यम एकम, जो एक हैं, एक हैं का मतलब क्या है कि वो हमेशा एक रूप हैं, वो हमेशा एक रूप हैं, उनके सिवा कोई दूसरा नहीं है। ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ऑल कैपेबल। एकम नित्यम, यानी वो नित्य हैं। वो संसार से कभी फिजिकली जाना और बात है, शारीरिक रूप तो जो है वो सदगुरु का भी ओझल होता है संसार से, लेकिन गुरु वास्तविक रूप से कभी इस दुनिया से जाते नहीं। आज तक जितने भी गुरु इस संसार में हुए हैं,
उनकी प्रेजेंस हमेशा बनी रहती है, जब तक उनके शिष्य का परम कल्याण नहीं हो जाता, उनको मुक्ति नहीं मिल जाती, गुरु भी संसार को छोड़ नहीं सकते। तो एकम नित्यम विमलम अचलम, वो नित्य हैं, सदा हैं और सदा रहेंगे। भौतिक रूप बेशक अलग हो जाए, लेकिन सदगुरु कभी भी संसार से जाते नहीं हैं। उनकी प्रेजेंस उनके शिष्य को, उनके सेवक को, उनके साधक को सदा फील होती रहती है। एकम नित्यम विमलम अचलम, विमल हैं, उन पर कभी कोई पाप की रेखा उनके ऊपर टच भी नहीं उन्हें कर पाती, ऐसे होते हैं सदगुरु। और अचल हैं, अचल माने किसी भी कंडीशन में वो डावा डोल नहीं होते, एक समान रहते हैं, ऐसे सदगुरु होते हैं। सर्वाधि साक्षी भूतम, सभी प्राणियों के अंदर वो जो साक्षी स्वरूप है, वो जो विटनेस है, वो जो कॉस्मिक विटनेस है, वो सदगुरु होते हैं। यानी वो और सदगुरु कोई अलग नहीं है। सर्वाधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम, जो सब भावों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं, सब तरह के कोई भाव उन पर असर नहीं कर सकते। वो प्रेम में होते हुए भी प्रेम से बाहर होते हैं, वो कभी कभी गुस्सा दिखाते हुए भी गुस्से से पार होते हैं, वो और भी कोई इमोशन शो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इमोशन उन पर असर नहीं कर सकता, वो उन सबसे पार है, बियॉन्ड द इमोशंस। भावातीतम त्रिगुण रहितम, जिन पर तीन तरह के जो दोष होते हैं, सतो रजो तमो जो गुण होते हैं, इन तीनों गुणों से वो पार हैं, बियॉन्ड हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल वो तमोगुणी नहीं है तो वो रजोगुणी है, वो रजोगुणी नहीं है तो वो सतोगुणी है, वो इन तीनों गुणों से पार हैं, वो सतोगुणी भी नहीं है, वो तीनों गुणों से बियॉन्ड हैं, पार हैं। तो कोई गुण भी उन पर कभी असर नहीं डाल सकता। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। कि गुरु आखिर करे तो कौन सा करे, कहां से मिलेंगे गुरु? अब ये जो सवाल है, इसका सच में सीधा जो आंसर आता है वो ये कि आप गुरु को नहीं ढूंढ सकते। हम सीधे सीधे गुरु को नहीं ढूंढ सकते। लोग क्या करते हैं, गुरु की महिमा सुनी, अब नेट पे ढूंढना शुरू कर देंगे। नेट पे जिन लोगों ने भी अपने थोड़ा प्रचार किया हुआ है, वो आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं, और आप उनमें से किसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बात नहीं बनती। आप पहले ऊपर से आंसर लें। कैसे लें? उसके लिए ब्रह्मांड से पूछें, परमात्मा से पूछें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बात डालें, जैसे हम बाकी चीजों के लिए डालते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं कि मुझे धन मिले, मुझे अच्छी सेहत मिले, अच्छा परिवार मिले, ये सारी बातें जब हम मांगते हैं, तो ये नहीं मांग सकते कि मुझे गुरु मिले। मांगिए, मेरी सिंसियर आपसे सजेशन है कि यूनिवर्स से जब हम बाकी चीजें मांगते हैं, तो ये भी मांगिए कि मुझे गुरु मिले, और गुरु जो मुझे आगे का रास्ता दिखाएं, मुझे मार्गदर्शन दें। जब आप ये प्रार्थना यूनिवर्स को डालते हैं, तो वहां से आंसर आता है, आपके लिए साधन खोल दिए जाते हैं। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सर्वोत्तम है, सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग, 3 से 5, 3 से 6 बजे के बीच में आप उठें और प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु, मेरा ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए, मुझे गुरु मिल जाए जो मुझे आगे का रास्ता दिखा सके, जो मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिला सके, जो मुझे परम ज्ञान की उपलब्धि करा सके, ऐसे गुरु से मुझे मिला दीजिए। आप ये प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये वीडियो आपको जरूर लाभदायक होगा। आप इसको खुद भी सुने, देखें और लोगों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।